प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी में शाबाश पुरस्कार योजना के तहत वर्क्स एंड परियोजना क्षेत्र के 63 कर्मचारी गण पुरस्कृत। राउरकेला स्टील प्लांट की टीम ने 23वीं राष्ट्रीय पर्यवेक्षी कौशल प्रतियोगिता में परचम लहराया। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा पाशवांचल गांव की महिलाओं को खाद्य प्रोसेसिंग में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के वर्क्स एवं परियोजना क्षेत्र के 63 कर्मचारियों को विभिन्न समारोहों में शाबाश पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। 13 मार्च को कार्यपालक निदेशक वर्क्स सचिवालय में आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी ने पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में की गई विशिष्ट उपलब्धियों और अभिनव योगदान की सराहना की। इस अवसर पर आरएसपी की विभिन्न इकाइयों में शामिल 43 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर संबंधित पुरस्कार विजेताओं के मुख्य महाप्रबंधक और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। वरिष्ठ प्रबंधक कार्यपालक निदेशक वर्ग सचिवालय के श्री रिकी अग्रवाल ने समारोह का संचालन किया। 16 मार्च 2024 को आयोजित परियोजना विभाग के पहले शाबाश पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन सह अतिरिक्त प्रभारी परियोजना श्री तरुण मिश्र ने की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री एएन मिश्र, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना वाणिज्यिक श्री जीएस दास, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री अनीश जमैयार और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कुल 20 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। समारोह का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक परियोजनाएं श्री निर्मल महतो ने किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी की 3 सदस्यीय टीम ने हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सीआईआई पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पर्यवेक्षी कौशल प्रतियोगिता में मरम्मत और रखरखाव श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीतकर स्टील प्लांट का नाम रोशन किया है। टीम में न्यू प्लेट मिल के श्री सुमित त्रिपाठी, श्री सौभाग्य रंजन साहू और श्री बेनु साहू शामिल थे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पर्यवेक्षी कौशल प्रतियोगिता औद्योगिक पर्यवेक्षकों को प्रोत्साहित करने और पहचानने तथा सीखने एवं साझा करने के माध्यम से उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए एक प्रतिष्ठित सीआईआई पहल है। 16 मार्च 2024 को न्यू प्लेट मिल में आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम एवं एसपीपी श्री कार्तिकेय बेहरा ने टीम को पुरस्कृत किया और अपने संबोधन में एक बेहतर पेशेवर और बेहतर कर्मचारी बनने के लिए नियमित रूप से ज्ञान और कौशल को उन्नत करने पर जोर दिया। ग्रामीण महिलाओं की आय सृजन के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी द्वारा अपने पाशवांचल विकास संस्थान में 15 महिलाओं को खाद्य प्रोसेसिंग पर एक व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक महीने तक चलने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 मार्च 2024 को प्रारंभ हुआ। महाप्रबंधक प्रभारी सीपीपी 1 श्री के एस विरदी ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों को जीवन की गुणवत्ता एवं जीविका में सुधार के लिए बेहतर अतिरिक्त आय के लिए कौशल को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा, सोसाइटी फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रतिनिधि सुश्री शकुंतला और आरएसपी एसआरआई के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को मिश्रित फल, लहसुन, आम, कटहल, बांसशूट, महुआ और ओल जैसे अचार उत्पादों की तैयारी के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। सूखा समोसा, फ्राइड पोहा, ठेकुआ, चकुली दाल, मूठ, मसालेदार मिश्रण, मीठा मिश्रण, बादाम पकौड़ा जैसे तले हुए उत्पाद के साथ साथ जैम, जेली, सॉस, केचप उत्पाद भी बनाना सिखाया जाएगा। उद्घाटन समारोह में सुश्री मित्रा ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, जबकि सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री टीबी टोपो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उप प्रबंधक सीएसआर सुश्री ऋचा सुधीराम ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।